वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ थ्योरम करने जा रहे हैं जो है थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल। मतलब एक सर्कल में अगर जो जो एंगल होता है उसका रिलेटेड कुछ थ्योरम हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, क्या क्या थ्योरम है यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट थ्योरम है द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज द डबल ऑफ द एंगल फॉर्म by the same arc at any point on the circle. That means the front angle formed at the center of the circle. Suppose ये center of the circle, एक circle हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये इसका center है, तो यहाँ पे front angle मतलब अगर यहाँ पे हम लोग एक angle बना रहे हैं, suppose ये angle हम लोग यहाँ पे बनाए, ठीक है, तो O है यहाँ का सेंटर, सपोज O सेंटर हो गया, तो O A B एक एंगल हुआ फ्रंट एंगल, और ये कौन से आर्क में है, ए बी आर्क में, O A B एक एंगल हुआ। तो देखो एक लाइन हो गया द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, तो ये O A B एक फ्रंट एंगल हुआ जो ए बी आर्क के ऊपर है, इज डबल एट द डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब इस आर्क में ही अगर, मतलब ए बी आर्क में अगर हम लोग इस सर्कल के ऊपर कुछ अगर एक पॉइंट ले ले, सपोज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, लेके एक एंगल बनाते हैं, तो सपोज ए सी बी, तो ये जो ए सी बी एंगल हुआ, ये वाला एंगल, तो ये क्या हुआ, ये एंगल भी ए बी आर्क के ऊपर है और ए ओ बी एंगल ये भी ए बी आर्क के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर, तो फ्रंट एंगल कौन सा है, ये फ्रंट एंगल है, फ्रॉम एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, तो ये एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द, मतलब ये जो ए ओ बी एंगल है वो सेम आर्क जो इसका सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस में कोई भी एंगल अगर वो फॉर्म करता है तो उस एंगल का ये एंगल डबल है। ठीक है, मतलब ए ओ बी ट्वाइस ए सी बी, ये है हम लोगों का थ्योरम, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, गिवन देखो, गिवन है सपोज गिवन, क्या गिवन है, गिवन है कि ए ओ बी इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए सी बी, मतलब ये वाला ये एंगल ए सी बी इज द ए सी बी इज द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल फॉर्म्ड बाय द सेम
आर्क ए बी। तो ए बी आर्क के ऊपर ही तो ये दोनों एंगल है, तो ए ओ बी है सेंटर ऑफ द एंगल एंड ए सी बी है एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये गिवन है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी इज ट्वाइस ए सी बी, प्रूफ करना है ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में देखो हम लोग क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे सी ओ इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे डी तक। ठीक है, यहाँ पे इसको डी तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन। हो गया, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है क्या, सी ओ आर जॉइंड एंड एक्सटेंडेड अप टू डी। तो कंस्ट्रक्शन ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में देखो यहां पे ये जो एंगल ट्रायंगल है ए ओ सी, तो ये साइड्स ओ ए एंड ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब ये दो साइड्स इक्वल है, तो साइड्स इक्वल में है मतलब ओ ए सी क्या हुआ, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल अगर होता है तो फिर क्या होगा, ये एंगल एंड ये एंगल सेम है, क्लियर। मतलब ओ ए सी एंड ओ सी ए सेम है, तो यहां पे लिख लो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी इन ट्रायंगल ए ओ सी क्या हम लोग जानते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्यों, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये तो मालूम ही है हम लोगों को। तो अगर ये सेम है तो क्या होगा, ओ ए सी एंड ओ सी ए इक्वल होगा, तो ये लिख ले ओ ए सी इक्वल्स टू ओ सी ए, हो गया ये एक पॉइंट। अब फिर से देखो यहाँ पे ये जो एंगल हुआ ए ओ सी एंगल का, ये जो एक्सटेंड किया ओ डी एक्सटेंड किया था, तो क्या हुआ, ये एक्सटर्नल एंगल है किसका, ये एंगल का एक्सटर्नल एंगल हुआ ना, ये इंटीरियर एंगल ही एक्सटर्नल एंगल। तो ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल, मतलब ए ओ डी इक्वल्स टू ओ ए सी प्लस ओ सी ए। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू उसका जो डिस्टेंट इंटीरियर एंगल है उसका सम का इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ए ओ डी इक्वल्स टू ओ ए सी ओ सी ए। तो As AOD
इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एओसी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एओडी इक्वल्स टू ओएसी प्लस ओसीए, एओडी इक्वल्स टू ओएसी प्लस ओसीए। ठीक है, अब इसको हम लोग वन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों का तो ये एंगल से थ्योरम का काम है, तो ये एंगल तो नहीं चाहिए। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे मतलब ओ ए सी इक्वल्स टू ओ सी ए, तो यहाँ पे जो ओ ए सी है उसको हम लोग ओ सी ए लिख सकते हैं। तो फिर ओ सी ए प्लस ओ सी ए कहाँ से आएगा, फ्रॉम वन। ठीक है, अब इक्वल्स टू ट्वाइस ओ सी ए, मतलब ए ओ डी इक्वल्स टू ओ सी ए, ये हमारा हो गया नंबर टू। क्लियर, तो ये तो इस साइड्स का एंगल हुआ। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बी ओ सी ट्रायंगल लेंगे, तो फिर ओ सी इक्वल्स टू बी ओ, रेडियस है, तो अगेन ये एंगल एंड ये एंगल सेम है, ओ बी सी एंड ओ सी बी सेम है। बी ओ डी इस बी ओ सी एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो बी ओ डी इक्वल्स टू ओ सी बी ओ सी ए, मतलब जिस तरीके से हम लोग इस साइड का किए, तो इस साइड का भी सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो वहां पे क्या होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, रूल क्या है, सेम है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो फिर ओ बी सी ओ सी बी, ओ बी सी इक्वल्स टू ओ सी बी, ये है हम लोगों का नंबर थ्री। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल है बी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी डी ओ सी बी। ठीक है, तो एक्सटीरियर बी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी सी प्लस ओ सी बी। क्लियर, अब यहाँ पे बी एंगल तो हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को सी एंगल से काम है, तो फिर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी के बदले ओ सी बी प्लस ओ सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ओ सी बी, तो ये कहां से होगा, फ्रॉम थ्री। ठीक है, अच्छा ये होगा फ्रॉम थ्री, गलती से नीचे हो गया, तो और इसको हम लोग नाम देते हैं फोर। ओके, अब टू एंड फोर, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है एओडी, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है बीओडी। अब क्या करेंगे, टू एंड फोर को लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, ए ओ बी प्लस
बी ओ डी मतलब ए ओ बी प्लस बी ओ डी इक्वल्स टू ए ओ बी कितना है, टू ओ सी ए प्लस टू ओ सी बी। तो टू ओ सी ए ओ सी बी मतलब टू ओ सी ए प्लस ओ सी बी। ठीक है, आप यहां पे देखो ए ओ बी ये एक एक्सटीरियर एंगल, बी ओ डी ये भी एक एक्सटीरियर एंगल, तो दोनों मिलके क्या होगा ए ओ डी। अब जो हम लोगों को ऐड किए टू ओ सी ए एंड ओ सी बी, तो दोनों मिलके क्या होगा ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखो ए ओ बी बी ओ डी इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, ए ओ डी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी बी। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, सॉरी ए ओ डी नहीं होगा ए ओ बी, क्योंकि ये होगा ए ओ डी बी ओ डी मिलके ए ओ बी होगा, तो ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी बी, तो ए तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इजी है, कुछ नहीं सिर्फ दो ट्रायंगल को लेके काम है, एक ट्रायंगल को लेके उसका आइसोसेलिस बना के ये दो एंगल को सेम करोगे और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करके कि ये एंगल और ये एंगल प्लस करके आएगा, मतलब ए ओ डी इक्वल्स टू ट्वाइस ए ओ सी होगा। तो एक साइड्स को अगर समझ जाओगे सेम उसी तरीके से दूसरा साइड्स होगा, दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नाउ ये थ्योरम बहुत इजी है, ये थ्योरम है क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल मतलब सर्कल का एक एरिया में जितना भी एंगल है उसका सर्कमफेरेंस में वो सब सेम है। तो कैसे करोगे, सपोज वो एक सेंटर है, तो हम लोग उसको प्रूफ करने के लिए दो एंगल लेते हैं सर्कमफेरेंस में, दो एंगल से प्रूफ करेंगे, दो एंगल होगा तो सभी सेम होगा, अगर देंगे देखोगे तो समझ जाओगे। सपोज यहाँ पे एक एंगल ये लिए, ये एक एंगल बना और दो एंगल बनाए। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज ओ है सेंटर, ये है आर्क हम लोगों का ए बी, तो ए सी बी एंड ए डी बी। तो हम लोगों को प्रूफ करना है इसको सेगमेंट मतलब ट्रेंगल का, यहाँ पे चार पॉइंट ले रहे हैं, चार पॉइंट मतलब ए बी डी सी या फिर ए बी ए बी ए सी डी, जो भी एक चार पॉइंट लो, इसके अंदर जितना भी एंगल तुम लोग बनाओगे, एंगल जितना एंगल मतलब उसका सर्कमफेरेंस में जितना भी, इसके बीच में और एक एंगल ले लो, जितना भी एंगल बनाओगे एवरी एंगल शुड बी सेम, मतलब सेम। और अगर एक और हम लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे कि एंगल्स लाइंग ऑन द आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आर इन सेम वैल्यू, मतलब सर्कमफेरेंस में जितना भी एंगल हो वो अगर सेम आर्क में होगा, तो ए बी आर्क में भी तुम लोग ए सी बी ए डी बी, तो ये एंगल भी ए बी आर्क में है, ये एंगल भी ए बी आर्क में है, और भी जितना भी ए बी आर्क में जितना भी एंगल बनाओ तो सब आर्क का वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक और एंगल बनाएंगे तो सेम सब आर्क एंगल का वैल्यू सेम है। कैसे है देखो यहाँ पे, तो गिवन हम लोग लेते हैं, गिवन क्या लेंगे, सपोज गिवन लेते हैं कि एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर एनी
टू एंगल्स इन द सेगमेंट ए बी सी डी ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ। तो दो एंगल हुआ, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि टू प्रूफ प्रूफ करना है ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अगर दो को हम लोग इक्वल प्रूफ कर दे तो फिर बाकी सभी एक ही प्रूफ होगा। टू प्रूफ ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ओके। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि सिंस ए सी बी एंड ए डी बी आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट देन इफ दे आर इक्वल ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या प्रूफ करोगे कि ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोगों का कंस्ट्रक्शन पार्ट है सेंटर से इसका ये जॉइन करेंगे, मतलब ए ओ एंड ओ बी, ये है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, जॉइन ओ ए एंड ओ बी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखो हम लोग तो पिछले थ्योरम में क्या किए कि ऑन द सेम आर्क द सेंटर ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए सी बी। आर्क क्या है, ए बी, तो ए ओ बी सेंटर है ए बी के ऊपर एंड ए सी बी सर्कमफेरेंस के ऊपर सेंटर है, और इधर में ए ओ बी है सेंटर है और ए डी बी भी सर्कमफेरेंस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रूफ एंगल ए ओ बी एट द सेंटर इज ट्वाइस the angle twice the angle of ACB and ADB each on the same arc AB. तो therefore क्या हम लिखेंगे, AOB equals to twice ACB, एक same है AOB equals to twice
ए डी बी टू, तो दोनों ही तो ए बी ए बी इक्वल्स है, तो फिर हम लोग क्या लिख सकेंगे कि ट्वाइस ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए डी बी और ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी, हेंस प्रूफ्ड। मतलब ये जो ए ओ बी है ये ए सी बी का ट्वाइस है, ए डी बी का भी ट्वाइस है, तो दोनों का ही ट्वाइस, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो द एंगल्स इन द सेम सेंगल। तो एक इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई दूसरा एंगल भी यहाँ पे बना ले, सपोज यहाँ पे और एक एंगल अगर हम लोग बनाएंगे, तो वो भी तो सर्कमफेरेंस और सेम आर्क में है, मतलब वो भी ए ओ बी का ट्वाइस है, तो ये भी सेम है, मतलब एवरी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट शुड बी इक्वल ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग, ये छोटा है और बहुत इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ये थ्योरम भी बहुत इजी है। ये थ्योरम क्या है, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल आर इज ए राइट एंगल, मतलब सेमी सर्किल में जो भी एंगल होगा सर्किल सेमी सर्किल में तो वो होगा राइट एंगल। तो फिर सेमी सर्किल में एक एंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये ओ है हम लोगों का सेंटर, तो सेमी सर्किल में एंगल करने के लिए पहले इसका तो एक डायमीटर ड्रॉ करना है, डायमीटर ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, तो क्या हुआ, ओ क्या है, ओ है हम लोगों का सेंटर ऑफ द सर्किल, वो है हम लोगों का सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए सी बी है सेमी सर्किल। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ए सी बी इज ए 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर गिवन क्या है, गिवन है कि O is the center of the circle and ACB is an angle in a सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए सी बी इक्वल्स टू वन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अलग से कुछ जरूरत है, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन ए ओ एंड ओ पी, तो ये सेमी सर्कल करने से तो ये आ ही गया, तो और कंस्ट्रक्शन ना भी लिखो चलेगा। तो फिर प्रूफ क्या होगा, प्रूफ है यहाँ पे ये जो ए ओ पी एंगल है, ए ओ पी एंगल है तो ये सेंटर, ये ए बी आर्क में ए ओ बी भी एक एंगल है, ए सी बी भी एंगल है, तो यहाँ पे देखो ए ओ बी इज एन एंगल एट द सेंटर एंड ए सी बी इज एन एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस लाइंग ऑन द सेम आर्क ए, अगर यहाँ पे हम लोग पी देंगे ए पी बी और ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं क्या, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी, अच्छा एंगल ए ओ बी ए सी बी बाद में लिखो, एंगल ए ओ बी इज एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द
सर्किल एंड एंगल ए सी बी इज एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आर लाइंग ऑन द सेम आर्क ए पी बी। मतलब ये ए ओ बी एंगल एंड ए सी बी एंगल, दोनों एंगल ही ए पी बी आर्क के ऊपर है और एक सेंटर में है और एक है सर्कमफेरेंस में, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस थ्योरम हम लोग क्या लिख पाएंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। ये तो हम लोग तो फिर जानते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि सेम आर्क के ऊपर सेंटर में जो एंगल है और जो सर्कमफेरेंस में है वो सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस का ट्वाइस है, तो ट्वाइस ए बी, ये तो हम लोग जानते हैं। वन अगेन यहाँ पे देखो ए बी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट्स के ऊपर ओ एक पॉइंट है, तो ओ पॉइंट में जो भी एंगल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या लिख सकेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एस ए बी इज ए लाइन सेगमेंट्स एंड ए ओ बी इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ए ओ बी 180 डिग्री हो गया। तो फिर हम लोग फ्रॉम वन क्या लिख सकेंगे कि फ्रॉम वन वी गेट, तो फ्रॉम वन वी गेट क्या लिखोगे, ट्वाइस ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री और ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू वन राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये दे दो, यहाँ पे ये टू दे दो और ये लिख लो यहाँ पे फ्रॉम टू राइट एंगल, हिंस प्रूफ्ड। तो आज हम लोग क्या क्या थ्योरम सीखे, एक थ्योरम सीखे कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री Having lying on the same arc, तो same arc तो होगा ही, सेमी सर्कल मतलब तो सेम आर्क में ही होगा, तो एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लाइंग इन ए सेम आर्क आर इक्वल ऑन द सर्कमफेरेंस, और एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस लाइंग ऑन द सेम आर्क। तो ये जो तीन थ्योरम हम लोग यहाँ पे सीखे, तो ये थ्योरम देखे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल भी हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ये सब थ्योरम बेस करके होगा, ओके okay?